आज के वीडियो का टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस जो आपका टॉपिक है वो बीकॉम फाइनल ईयर के फाइनेंशियल मैनेजमेंट सब्जेक्ट से है। फाइनेंशियल मैनेजमेंट का हम ये पहला ही वीडियो बना रहे हैं जिसके अंदर हमारा टॉपिक है बिजनेस फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस जो है वो अर्लियर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्लेस पे ये वर्ड काम में लेते थे, क्योंकि उस टाइम जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का या फाइनेंस मैनेजर का जो रोल था वो बहुत लिमिटेड था कि जब बिजनेस स्टार्ट होए उसके लिए फाइनेंस का अरेंजमेंट करना, किन किन सोर्सेज से फाइनेंस का अरेंजमेंट करना है, लोवेस्ट कॉस्ट पे फाइनेंस का अरेंजमेंट करना है, वहाँ तक ही काम। उसके बाद फाइनेंस मैनेजर का या फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोई रोल नहीं था, इसलिए पहले फाइनेंशियल मैनेजमेंट के प्लेस पे बिजनेस फाइनेंस वर्ड यूज़ होता था, क्योंकि सिर्फ फाइनेंस तक लिमिटेड था। तो फाइनेंस को पहले हम समझ लेते हैं। फाइनेंस को टू टाइप्स में डिवाइड किया है, पहला पब्लिक फाइनेंस और प्राइवेट फाइनेंस। तो पब्लिक फाइनेंस के अंदर तो जो ना हम स्टडी करेंगे वो पब्लिक फाइनेंस के ना पब्लिक एंटर अथॉरिटीज़ होती है उनके लिए फाइनेंस का कैसे अरेंजमेंट किया जाता है। तो पब्लिक अथॉरिटी में सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल बॉडीज़ या और भी गवर्नमेंट्स जो कंपनी है उनके लिए मेनली। तो गवर्नमेंट्स के क्या होता है, रेवेन्यू के सोर्सेज या फाइनेंस के सोर्सेज टैक्सेस ही होते हैं। टैक्सेस के थ्रू पैसा आता है और उनका यूज़ क्या होता है, पब्लिक वेलफेयर में। ज़्यादा अगर गवर्नमेंट का पैसा पब्लिक वेलफेयर में ही यूज़ आता है, तो पब्लिक फाइनेंस का तो यही मीनिंग है। अब प्राइवेट फाइनेंस में आते हैं। प्राइवेट फाइनेंस में क्या है, पर्सनल फाइनेंस। तो इसको रीड करते हैं पहले। इन पर्सनल फाइनेंस वी स्टडी द मैनेजमेंट ऑफ मनी इन डेली लाइफ। डेली लाइफ में जो भी हम पैसे का अरेंजमेंट करते हैं या अपने खर्चे को मीट आउट करते हैं, खर्चे के लिए हमारे पास रेवेन्यू कहाँ से आता है, एक तरीके से पूरा हमारा मंथली जो बजट है वो एक तरीके से पर्सनल फाइनेंस है, कि उसका फाइनेंस कहाँ से आता है, कहाँ से हम अपने पैसे का अरेंजमेंट करते हैं और कहाँ यूज़ करते हैं। ये तो आ गया पर्सनल फाइनेंस में। और पहले थर्ड ले लेते हैं, नॉन प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूशन फाइनेंस। तो इसके अंदर क्या है, इन नॉन प्रॉफिट अर्निंग इंस्टीट्यूशंस फाइनेंस वी स्टडी द थ्योरीज एंड प्रैक्टिस ऑफ फाइनेंस एप्लीकेबल टू एजुकेशनल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। तो इन इंस्टीट्यूशन के लिए क्या, जो प्रॉफिट, जिनका मोटिव प्रॉफिट अर्न करना नहीं है, उनका प्रॉफिट, उनका मोटिव होता है क्या ना वेलफेयर का मोटिव होता है, तो उसके लिए भी फाइनेंस को कुछ इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए जो मेन इंपॉर्टेंट है वो है बिजनेस फाइनेंस, और इसी को आगे चल के हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के रूप में पढ़ेंगे। तो ये हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। तो इसको भी हम रीड कर लेते हैं। इन बिजनेस फाइनेंस वी स्टडी द अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस इन बिजनेस फर्म फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। जो अर्निंग प्रॉफिट के मोटिव से जो भी बिजनेस चल रहे हैं उनके लिए फाइनेंस का अरेंजमेंट करना बिजनेस फाइनेंस होता है। आगे चलते हैं, मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस पहले इसको रीड कर लेते हैं। न्यू एरिया ऑफ फाइनेंस आर डेवलप कीपिंग इन व्यू द स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट ऑफ फाइनेंस एंड सॉल्विंग द प्रॉब्लम दैट इज डेवलपमेंट ऑफ इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस। सर्टेन स्पेसिफिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट आर एस्टेब्लिश्ड लाइक IDBI, IFCI, स्टेट फाइनेंस कॉरपोरेशन एक्सेट्रा। तो अब क्या हुआ, अब है ना जैसे जैसे डेवलप हुआ है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ, उसके साथ क्या हुआ, फाइनेंस की है ना कॉरपोरेट फाइनेंस जब आने लग गया। मतलब पहले तो क्या था कि प्रोप्राइटरशिप ही थी, तो उसके लिए फाइनेंस के अरेंजमेंट करना इतना बड़ा बात नहीं थी, क्योंकि जो ना इतना फाइनेंस चाहिए भी नहीं था। जैसे जैसे है ना प्राइवेटाइजेशन हुआ या प्राइवेटाइजेशन की तरफ इकोनॉमी गई, तो फिर क्या हुआ कि बड़े बड़े हैवी बिजनेस थे वो भी प्राइवेट सेक्टर में आने लगे, तो उसके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंस की नीड होती थी, उसके लिए बहुत ज़्यादा फाइनेंस चाहिए थी। जो नॉर्मल बैंक्स है वो उस फाइनेंस को, जो रिक्वायरमेंट थी उसको मीट आउट नहीं कर पा रही थी। तो इंस्टीट्यूशन फाइनेंस के लिए IDBI, IFCI और स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन जैसे इंस्टीट्यूट का गवर्नमेंट ने निर्माण किया, जो क्या है कि बड़े बड़े फाइनेंस को फाइनेंस कर सके, बड़े बड़े रिक्वायरमेंट को फाइनेंस कर सके। और उसके बाद क्या हुआ, जैसे जैसे एक्सपोर्ट बढ़ने पड़ा तो इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स की भी रिक्वायरमेंट हुई, तो वो भी बने काफ़ी सारे। आगे रीड करते हैं, द फॉरेन ट्रेड इज़ इंक्रीज इन एवरी कंट्री ऑफ द वर्ल्ड, इंटरनेशनल फाइनेंस हैज़ बीन डेवलप्ड फॉर सॉल्विंग द डिफिकल्टीज प्रॉब्लम्स एंड अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड न्यू नेशन एंड इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन हैव बीन सेटअप। तो उसके लिए भी काफ़ी है ना फाइनेंस के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन फाइनेंस के लिए सेटअप किए गए। द प्रॉब्लम ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड करेंसी आर आल्सो सॉल्व अंडर इंटरनेशनल फाइनेंस। बिजनेस फाइनेंस इज कंसर्न्ड विद अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस इन एंटरप्राइजेस एस्टेब्लिश्ड फॉर अर्निंग प्रॉफिट। तो जो अर्निंग प्रॉफिट के लिए बिजनेस चल रहे हैं उनके लिए फाइनेंस का अरेंजमेंट के रूप में हमें ना बिजनेस फाइनेंस को देखते हैं।
दिस इज क्वाइट ए ब्रॉड वर्ड टू अंडरस्टैंड फॉर विच इट इज नेसेसरी टू नो द मीनिंग ऑफ बिजनेस एंड फाइनेंस. इन लेमैन लैंग्वेज द बिजनेस मीन द सेलिंग ऑफ कमोडिटी इन बिग और स्मॉल शॉप और स्टोर. बट दिस इज क्वाइट ए नैरो मीनिंग ऑफ बिजनेस. द ब्रॉड मीनिंग ऑफ बिजनेस इज ऑल द दोज ह्यूमन एक्टिविटीज विच आर डन इन ऑर्डर टू अर्न प्रॉफिट एंड बाई विच प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज एंड सर्विसेज टेक प्लेस. इन दिस मीनिंग वी इंक्लूड द एक्टिविटीज ऑफ फार्मिंग, फिशिंग, माइनिंग, ट्रेड, इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन. दे आर ऑल्सो डॉक्टर, नर्सेज, लॉयर्स, अकाउंटेंट्स हु प्रोवाइड देयर सर्विस फॉर द फुलफिलमेंट ऑफ ह्यूमन वांट्स. द वर्ड फाइनेंस मीन्स मनी एंड द स्टडी ऑफ फाइनेंस इज डन द हाउ द फैमिली, बिजनेसमैन, इन्वेस्टर, गवर्नमेंट्स एंड बिजनेस इंस्टीट्यूशंस डू द मैनेजमेंट ऑफ मनी. दिस इज हाउ वी कैन से द मीनिंग ऑफ बिजनेस फाइनेंस ब्रॉडली इंक्लूड्स द फाइनेंशियल मैनेजमेंट ऑफ ऑल द एक्टिविटीज ऑफ बिजनेस इंस्टीट्यूशन. बिजनेस फाइनेंस ऑल्सो इंक्लूड द ऑब्टेनिंग ऑफ फाइनेंस फ्रॉम डिफरेंट सोर्सेज ऑफ फॉर डिफरेंट सोर्स फॉर बिजनेसेस रिक्वायरमेंट्स एंड यूज एंड मैनेजमेंट ऑफ फाइनेंस फॉर फुलफिलमेंट ऑफ बिजनेस ऑब्जेक्टिव. तो यही है कि ना, बहुत ब्रॉड माइंड में देखा है बिजनेस फाइनेंस को, जिसके अंदर सारी एक्टिविटीज़ प्रोफेशनल्स के, वोकेशनल के, और जो भी है ना प्रॉफिट अर्न करने के लिए जो भी एक्टिविटीज़ कर रहा है उनके लिए फाइनेंस के अरेंजमेंट को, सबको इसके बिजनेस फाइनेंस के अंदर इंक्लूड कर लिया. अब आता है इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस. तो आज जो बिजनेस फाइनेंस का जो कैसे डेवलप हुआ, तो जैसे जैसे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट हुआ वैसे वैसे फाइनेंस, बिजनेस फाइनेंस का भी डेवलपमेंट हुआ. जैसे पहले प्रोप्राइटरशिप के बिजनेस ज़्यादा थे, फिर धीरे धीरे कॉर्पोरेट वर्ल्ड का जैसे जैसे डेवलपमेंट हुआ तो फाइनेंस की और नीड होने लग गई. तो बिजनेस फाइनेंस जैसे जैसे कॉर्पोरेट वर्ल्ड आया तो फाइनेंस का सब्जेक्ट है जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गया. इसको भी हम रीड कर लेते हैं. बिफोर द स्टार्ट ऑफ सेंचुरी द स्टडी ऑफ फाइनेंस वॉज इंक्लूडेड अंडर इकोनॉमिक्स, बट आफ्टर द स्टार्ट ऑफ 20th सेंचुरी ड्यू टू मर्जिंग ऑफ स्मॉल इंडस्ट्री टू फॉर्म बिग इंडस्ट्रीज लेड टू द प्रॉब्लम ऑफ अरेंजमेंट ऑफ फाइनेंस इन फ्रंट ऑफ बिजनेस मैनेजर्स. तो 20वीं सेंचुरी आते आते क्या हुआ कि छोटे छोटे बिजनेस थे वो है ना मर्ज होके बड़े बिजनेस बन गए, और उनके लिए बड़े लेवल पर फाइनेंस की रिक्वायरमेंट रहती थी. बिकॉज ऑफ स्पेशल कंट्रीब्यूशन ऑफ फाइनेंस इन सोल्विंग दिस प्रॉब्लम इट बिगन टू बी स्टडी ए सेपरेट सब्जेक्ट. मोस्टली बिग अंडरटेकिंग वर ऑर्गेनाइज ऑन कॉर्पोरेट फॉर्म ड्यू टू विच बुक ऑन कॉर्पोरेट फाइनेंस पब्लिश. इन कॉर्पोरेट फाइनेंस बुक्स वी फाइंड ए डिटेल डिस्क्रिप्शन ऑफ कैपिटलाइजेशन, सेलेक्शन ऑफ कैपिटल स्ट्रक्चर, क्लासिफिकेशन ऑफ सिक्योरिटीज एंड कंडीशन ऑफ विच फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स. दिस इज वाई द बिजनेस फाइनेंस वॉज डिस्क्रिप्टिव सब्जेक्ट. तो इसके अंदर क्या हुआ, फाइनेंस के लिए कॉर्पोरेट आने के बाद है ना फाइनेंस थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो गया कि किस किस है ना कैसा कैपिटल स्ट्रक्चर बनाए, कितना इक्विटी से पैसा ले और कितना लोन से ले. तो उसका स्ट्रक्चर तय करना, कौन कौन सी सिक्योरिटीज से पैसा लेना, क्या क्या कंडीशन होगी, ये सब बिजनेस फाइनेंस के अंदर इंक्लूड किया गया. बिफोर द रिसेशन ऑफ 30 ग्रेट इंपॉर्टेंस वॉज गिवन फॉर ऑब्टेनिंग ऑफ फाइनेंस थ्रू डिफरेंट टाइप्स ऑफ सिक्योरिटी एंड फ्रॉम डिफरेंट फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट. इन द 1930s डेवलपमेंट ऑफ रेडियो, केमिकल, स्टील एंड मोटर कार इंडस्ट्रीज टू प्लेस रैपिडली एंड द इम्पोर्टेंस ऑफ नेशनल एडवर्टाइजमेंट, न्यू डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम एंड हाई प्रॉफिट इंक्रीजेज. तो 1930s में जो सबसे ज़्यादा बड़ी रिसेशन आई थी उसके बाद क्या चेंजेस हुए, तो उसके अंदर क्या हुआ, कुछ नए नए बिजनेस स्टार्ट हो गए थे उसके बाद. ड्यू टू रिसेशन ऑफ 30s द लिक्विडिटी प्रॉब्लम arose in many business enterprises. The businessmen face problem in obtaining of finance from bank and other financial institution for their day-to-day requirement. Therefore, in order to fulfill their demand of liquidity, they had to sell the manufacturing stock quickly and in more quantity, but due to decrease in price, the finance available was not adequate. Thus, change took place in finance management from a firm. More importance was given to financial planning and control. The productive policy was developed for business institution by finance managers in order to protect them from closing of business and declaring themselves insolvent.
मोर अटेंशन वॉज पेड टू द प्रॉब्लम्स अराइजिंग आउट ऑफ फाइनेंशियल क्राइसिस इन द लाइफ ऑफ बिजनेस फर्म. In 1950, after the Second World War, the recognition of industry led to different problem in approaching of money from capital markets for the peaceful requirement. In 50 decade, 20th century of financial expert had given importance to the selection of such financial structure that could bear the burden of post-war pressure and adjustment. The traditional approach of business finance, which originated in 1920, was extremely popular till 1950. After 1950, certain changes took place due to which the importance of traditional approach and decline, and the new approach of business finance developed. In six decades of 20th century, on one hand there was increase in business activities in America, and on the other hand, frustrated stock exchange and more market conditions were there. In these circumstances, cash analysis was given more importance than profit analysis. The financial expert were given the responsibility to control the cash flow in such a way that the firm could achieve its objectives in a better manner and also pay liabilities on due dates. Now the financial arrangement of day-to-day activities of the firm was given more importance than institutional and external finance. Cash forecast, cash budget, receivable management, purchase analysis and inventory control were given special place in financial management. तो ये evolution of business finance का बता रहे थे कि पहले तो जो था 1930 से पहले तो सिर्फ फाइनेंस, कहाँ कहाँ से फाइनेंस लाना है, कौन कौन सी सिक्योरिटी होनी चाहिए और उसकी कॉस्ट पे था. लेकिन जो 20th सेंचुरी के सिक्स डिकेट मतलब 1960 जो 20th सेंचुरी की जो 1960 से लगभग क्या हुआ था कि इसको डे टू डे एक्टिविटीज़ को भी इसमें इंक्लूड कर लिया कि कैसे कैश बजट बनाना है, कैश फ्लो, कैश मैनेजमेंट, रिसीवेबल मैनेजमेंट. रिसीवेबल मैनेजमेंट मतलब हमारे जो डेटर्स है वो कितने दिन में वापस पैसा आता है, हमारा जो स्टॉक्स है या उसको सेल के बाद हमारे पास पैसा कितने दिन बाद में आता है, परचेज का एनालिसिस हमको कितने टाइम में परचेज करना होता है और परचेज की कितनी क्वांटिटी होती है, ये सब भी. इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री हमारे पास ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, नहीं हमारा बिजनेस रुकना चाहिए, स्टोर की लागत क्या, ऑर्डर देने की लागत क्या है, ये सब को फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंक्लूड कर लिया. तो धीरे धीरे क्या हुआ, 20th सेंचुरी आते आते फाइनेंशियल मैनेजमेंट का रोल बढ़ता चला गया. इन सिक्स डिकेट ऑफ दिस सेंचुरी द चेंज इन अप्रोच टुवार्ड्स बिजनेस फाइनेंस बिकम फास्टर. आफ्टर 1960 द प्रॉब्लम ऑफ फॉलिंग प्रॉफिट इन established classical industry and availability of easy money led to the problem of investment of capital in such area where profit could be maximized. In such a time, the financial expert were given the responsibility of choosing those industry projects which could maximize profit for the fulfillment of the objective of capital budgeting, project evaluation, control of capital expenditure and such other new techniques were developed. Now business finance is not a descriptive subject but an analytic, and the name of the subject is changed to financial management. 1960 के बाद और 1960 के बाद और changes हुए. फिर उसके बाद क्या हुआ कि है ना, इस पहले तो है ना डे टू डे बिजनेस के लिए, उसके बाद क्या फाइनेंस को, पहले तो था कि फाइनेंस का अरेंजमेंट, अब इसके अंदर क्या है कि है ना फाइनेंस को वापस अरेंजमेंट करने के बाद उसको कहाँ कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है उसके लिए भी है ना फाइनेंशियल मैनेजमेंट को अप्रोच किया जाने लगा. उसके अंदर क्या कैसे कुछ टेक्निक्स आई कि कैसे है ना, पहले क्या होता था अरेंजमेंट तो कर लिया लेकिन उसके पहले ऐसे नहीं देखते थे प्रोजेक्ट में फाइनेंस करने से पहले कि भी इससे हमारे कितना रिटर्न आएगा, कितना कैश इनफ्लो आएगा. ये सब है ना कैपिटल बजटिंग टेक्निक्स है उसके अंदर हम देखते हैं. तो ये हम जब कैपिटल बजटिंग जो हमारा चैप्टर है वो करेंगे तब आपको और समझ में आ जाएगा कि कैसे है ना हम पता करते हैं कि हम जो फाइनेंस है उसको हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं उससे रेवेन्यू कितना आएगा, उसके बाद में उसकी रेवेन्यू की वैल्यू क्या होगी, क्या ये हमारे प्रोजेक्ट हमारे लिए प्रॉफिटेबल है, इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहिए या कोई दूसरा प्रोजेक्ट देखना चाहिए. तो ये सब जो सारा काम है ये भी फाइनेंशियल मैनेजमेंट के अंदर इंक्लूड हो गया. कैपिटल एक्सपेंडिचर, सारे जो नए नए टेक्निक डेवलप हुई, तो ये क्या था, डिस्पेक्टिव सब्जेक्ट नहीं रखे, एनालिटिक हो गया. मतलब इसके अंदर विश्लेषण करने लगे, एनालिसिस करने लगे कि हमारा जो फाइनेंस है वो सही जगह पे इन्वेस्टमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसे बराबर रिटर्न आएगा कि नहीं आएगा. तो ये पहले तो सिर्फ ना बिजनेस फाइनेंस का भी यूज़ होता था एट द टाइम ऑफ बिजनेस स्टार्ट. उसके बाद डे टू डे एक्टिविटीज़ में आया,
जैसे कैश का कंट्रोल करना, उसके लिए कैश फ्लो बनाना, कैश बजट बनाना, हमने जो सेल कर दिया उसको वो हमारे पास वापस पैसा कितने दिनों में आता है, और परचेज एनालिसिस कितना परचेज करना चाहिए, इन्वेंट्री कंट्रोल के अंदर हमारा स्टॉक का स्टोर में कितना लेवल होना चाहिए स्टॉक का, कितने दिन हमारा प्रोसेस में रहता है, फिनिश गुड से हमारा सेल कितने टाइम में होता है, इन सब का एनालिसिस करने फाइनेंशियल मैनेजमेंट में इंक्लूड कर लिया। और 1960s के बाद क्या हुआ कि है ना हमारे बिजनेस को जो फाइनेंस है उसको इन्वेस्टमेंट करने को भी इंक्लूड कर लिया कि आप है ना हमारे किस किस प्रोजेक्ट्स में हम फाइनेंस को यूज़ करेंगे, और उस प्रोजेक्ट से जो इनफ्लोज आते हैं कैश उसका भी एनालिसिस स्टार्ट कर दिया, उनका प्रेजेंट वैल्यू निकालना प्रॉफिटेबल है या नहीं, इन सबको हमने बिजनेस फाइनेंस में इंक्लूड कर दिया। क्वेश्चन है आपके फाइनेंस क्या है और डिफाइन करना है इवोल्यूशन ऑफ बिजनेस फाइनेंस। थैंक यू।